अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, रमजान की ईद 2 दिन पर आई है और इस 2 दिन की ईद के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून लागू किए हैं जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किए हैं वो बताने से पहले पहले हम आपको एक बात ज़रूर बताएं कि दोस्तों, ये जो कानून हम आपको बताने जा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इस कानून को फॉलो करना, क्योंकि आप अगर इस कानून को तोड़ेंगे और इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन जानिए, सिर्फ आप कानून को तोड़ेंगे लेकिन बदनाम तो पूरे मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस कानून को ध्यान से सुनना, और आपको अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करना। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे अजीज़ भाइयों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। दोस्तों, जो कानून मोदी गवर्नमेंट में लगाए हैं उसमें से सबसे पहला कानून ये है कि आपको ईद की नमाज कोई मस्जिद या कोई भी ईदगाह में नहीं पढ़नी है। नंबर दूसरा जो कानून है दोस्तों, वो ये है कि आपको आपके मोहल्ले में या आपके गली में या आपके एरिया में 50 या 100 लोगों को जमा कर नमाज नहीं पढ़ना है। और नंबर तीसरा कानून दोस्तों, आपको जो नमाज अदा करनी है वो अपने अपने घर पर करनी है, और नमाज के बाद आपको किसी भी तरह से रोड पर निकलकर लॉकडाउन को नहीं तोड़ना है। दोस्तों, तो ये 3 ज़रूरी बातें और ये 3 ज़रूरी कानून लॉकडाउन के तहत हम सब पर लागू होते हैं। इसलिए हर एक मुसलमान इस बात का एहतमाम करे कि हमें इन 3 कानून को कतई नहीं तोड़ना, क्योंकि कानून तो सिर्फ एक मुसलमान तोड़ेगा लेकिन बदनाम तो पूरा मुसलमान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से हर एक मुसलमान तक शेयर करना।